જો મિત્રો તમે પણ આસિસ્ટન્ટ સહાયક જીએમડીસી એક્ઝામની પ્રિપેરેશન કરતા હોય તો 9 ફેબ્રુઆરીથી અનએકેડમી પર એક નવી બેન્ચ સ્ટાર્ટ થવા જઈ રહી છે, જે સ્પેશિયલી આસિસ્ટન્ટ જીએમડીસી એક્ઝામ માટે આ બેન્ચ નવી સ્ટાર્ટ થવા જઈ રહી છે, જે બેન્ચનું નામ છે એકલવ્ય બેન્ચ. અને મિત્રો આ 9 ફેબ્રુઆરીથી બેન્ચ સ્ટાર્ટ થઈ રહી છે, જો તમે પણ આમાં બેન્ચમાં જોઈન કરવા માંગતા હોય તો લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે અથવા તો કોમેન્ટ પિન કરી દઈશ, ત્યાંથી પણ તમે જોઈન કરી શકો છો. અને જ્યાં પણ તમને કોડ માંગે ત્યાં તમારે DT10 કોડનો યુઝ કરવાનો છે, જેથી કરીને તમને 10% ડિસ્કાઉન્ટ તરત જ મળી જશે. એન્ડ બીજું કે મિત્રો આ બેન્ચ દરમિયાન તમને બિલકુલ ફ્રીમાં PDF મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. એન્ડ બીજું કે ટોપ એજ્યુકેટર સાથે તમને ભણવાનો મોકો મળી રહ્યો છે, જે પણ ટોપ ફેકલ્ટી છે એમની સાથે તમને ભણાવવામાં આવશે. એમ બીજું કે મિત્રો આ બેન્ચ દરમિયાન તમને ડાઉટ ક્લિયરિંગ સેશનનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે, જેથી કરીને તમને કોઈ પણ ડાઉટ આવે છે લેક્ચર્સ દરમિયાન તો તમે ડાઉટ ક્લિયરિંગ સેશનમાં પૂછી શકો છો. એના સિવાય બીજું કે મિત્રો શંખનાદ ટેસ્ટ સિરીઝનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે 1 ફેબ્રુઆરીથી લઈને 21 ફેબ્રુઆરી સુધી આ ટેસ્ટ સિરીઝ આયોજન કરવામાં આવેલી છે. અને એ ટેસ્ટ તમે બિલકુલ મફત આપી શકો છો, અને આ જે સ્પેશિયલી GPSC પ્રિલિમ્સ એક્ઝામ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. જો તમારો ફર્સ્ટ નંબર આવે છે તો તમને 1 મંથનું અનએકેડમીનું પ્લસ સબસ્ક્રિપ્શન મળી રહ્યું છે. સેકન્ડ નંબર આવે છે તો એમેઝોન વાઉચર મળી રહ્યું છે 1000 રૂપીઝનું. થર્ડ નંબર આવે છે તો 700 રૂપીઝનું એમેઝોન વાઉચર મળી રહ્યું છે. અને મિત્રો આ ટેસ્ટ સિરીઝમાં જોઈન કરવા માટેની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે અને કોમેન્ટ પણ આપેલી છે. અને તમે DD10 કોડનો યુઝ કરવાનો છે, જેથી કરીને આ ટેસ્ટ તમે મફતમાં આપી શકો છો, બરાબર. એના સિવાય બીજું મિત્રો તમે અનએકેડમી પર મફત લાભ લેવા માંગતા હોય તો સૌથી પહેલાં તમારે અનએકેડમી એપ ડાઉનલોડ કરવાની છે. ચૂઝ યોર ગોલમાં તમારે GPSC પસંદ કરવાનું છે અને એન્ટર એનવાઇટ કોડમાં DD10 કોડનો યુઝ કરવાનો છે, પછી તમારું સ્ટાર્ટ થઈ જશે. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन जो GPSC के Class 1 एंड Class 2 एग्जाम्स में आए हैं. इससे आपको आइडिया हो सकेगा कि GPSC में एनवायरनमेंट रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको क्या क्या कवर करना है एनवायरनमेंट में, ठीक है, और उसके क्वेश्चन किस बेसिस पे बनते हैं. तो इससे एक आइडिया आएगा आपको. हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप पहले खुद से ट्राई कीजिएगा अटैम्प्ट करने का और उसके बाद मैं जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, उसके ऑप्शन से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताऊँगी. अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैं एक्सप्लेन कैसे करती हूँ. अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप गुजरात स्टडीज़ के चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स पे ऑलमोस्ट सारे वीडियोस बने हुए हैं. अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए और ऐसा सीरीज़ लेकर आऊँ, ठीक है. चलिए आइए डिस्कस करते हैं. पहला क्वेश्चन है एनवायरमेंट से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग UN डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी. ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि UN डिकेड जो है उसका बायोडाइवर्सिटी पे कौन सा वाला है, कौन से ईयर को UN ने डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी की तरह सेलिब्रेट किया था. तो वो है 2011 टू 2020. ये जो ईयर था, मतलब डिकेड मतलब होता है 10 ईयर्स, तो 2011 से 2020 वाला जो डिकेड है उसको हम डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. अब आपको पता होना चाहिए, पहले तो यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल की, ठीक है, UNO. ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद बना था, ठीक है, 1945 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था उसके बाद बना था. आपको वर्ल्ड वॉर टू का टाइमलाइन भी पता होना चाहिए, 1939 से लेकर 1945 में बना था. उसी के बाद फिर ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी पीसफुल रहने के लिए, सारी कंट्री पीसफुली रहें उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी. तो इस क्वेश्चन में आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इससे आपको आइडिया आ जाता है कि UN के बारे में पूछा जा सकता है, UN के डिकेड के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है. तो UN के कुछ इंपॉर्टेंट डिकेड्स हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. पहला तो जो ऑप्शंस में दिए हैं मैं उनके बारे में ही आपको बता दूँ. 2016 से 2025 तक का जो डिकेड है इसको बोलते हैं एक्शन ऑन न्यूट्रिशन डिकेड. न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो डिकेड है वो है 2016 से 2025. और इसकी अगर आप करंट न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि अभी हमारे इंडिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और FSSAI इन्होंने बोला है कि जो ट्रांस फैट का लेवल है हमारे जो फूड होता है पैकेज फूड उसमें कम करना है, ठीक है. तो 2023 तक उसको ख़त्म करना है, 2021 में 2% तक लेकर आना है. तो ये बात चल रही है, अगर आपको न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, ठीक है. नेक्स्ट जो डिकेड है 2014 से 2024 के बीच में, ये है सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल. ये जो डिकेड बनाया जाता है डिकेड ऑन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल के लिए मनाया जाता है, ठीक है. फिर आता है 2005 से 2014 वाला जो डिकेड है ये सस्टेनेबल एजुकेशन के लिए है, ठीक है. कौन से एजुकेशन के लिए, सस्टेनेबल एजुकेशन के लिए. तो 2011 से 2020 जो है वो किसके लिए है, बायोडाइवर्सिटी के लिए. 16 से 25 किसके लिए है, न्यूट्रिशन के लिए है, ठीक है. सॉरी 14 से 24 जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी के लिए है और 2005 से 2014 जो है वो एजुकेशन के लिए है, ठीक है. इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डिकेड्स हैं, मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ, ठीक है. जैसे अभी जो रिसेंट में डिकेड आने वाले हैं, जैसे 2000
22 से लेके 2032 वाला जो डिकेड है वो किस लिए है, तो इंडिजिनस लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए डिकेड रखा जाएगा। अभी जो रिसेंटली 2021 से 2030 वाला जो है वो किसके लिए है, हमको पता है हमारा 2020 जो है वो कोविड की वजह से गया, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबको सही करना है, तो हेल्दी एजिंग के लिए है, उससे याद रखना हेल्दी एजिंग के लिए है 2021 से 2030 वाला, ठीक है। फिर एक और जो इसके आसपास में है वो है 2029 से 2028 के बीच में, ये पीस के लिए, ठीक है, डिकेड ऑफ पीस बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए ये डिकेड्स याद रखिएगा, अगर आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर गूगल पे सर्च कर लीजिएगा यूएन के डिकेड कौन से, और अपने नोटबुक में या शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है। ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी मतलब जहाँ पे फ्लोरा एंड फौना दोनों की बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। फ्लोरा मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट के स्पीसीज पाए जाते हैं, फौना मतलब बहुत सारे एनिमल स्पीसीज वगैरह पाए जाते हैं एक एरिया में, उसको हम बोलते हैं ये बायोडाइवर्सिटी। जैसे आपको पता होगा अगर आप ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि इक्वेटर के आसपास वाला जो एरिया है वहाँ पे दिन भर गर्मी होती है, रात को बारिश होती है, इसके वजह से डेली बारिश होने की वजह से ह्यूमिड कंडीशन रहती है, तो वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वो पाई जाती है अमेजन फॉरेस्ट में, जो कहाँ पर आते हैं, साउथ अमेरिका में आता है, ठीक है, कहाँ आता है, साउथ अमेरिका में आता है, अमेजन फॉरेस्ट अमेजन रिवर के पास में, तो वो पूरा इक्वेटर वाला रीजन है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। हमारी इंडिया भी क्या है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उधर के बीच में आता है, तो हमारी इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, तो ये जो बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन होता है जहाँ बहुत ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, उस एरिया को अगर ह्यूमन हैबिटेशन के वजह से थ्रेट पहुँचता है, ह्यूमन हैबिटेशन के वजह से कोई थ्रेट पहुंचता है, तो उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब इसमें पूछा है कि क्या होता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हो। देखो इसका आंसर है वैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या लिखा है, बायो ज्योग्राफिकल रीजन कैरेक्टराइज बोथ बाई द एक्सेप्शनल लेवल ऑफ प्लांट एंडेमिज्म एंड बाई सीरियस लेवल ऑफ द हैबिटेट लॉस। जहाँ पे हैबिटेट लॉस हो गया है किसके वजह से, ह्यूमन इनहेबिटेंट की वजह से, तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। बी वाला ऑप्शन है अ स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्टेड एरिया विथ हाई टेम्परेचर, नहीं, एन एरिया ऑफ वॉल्केनिक हैविंग फ्लू फ्लोरा एंड फौना स्पीसीज, नहीं, ठीक है, तो ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में हम देखेंगे, ये हमारा एक्चुअली पॉलिटी से रिलेटेड है, पॉलिटी और मतलब पॉलिटी में ये आर्टिकल हम पढ़ते हैं लेकिन ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा आर्टिकल है जिसमें एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन की बात की गई है, तो इसका आंसर है आर्टिकल 48A, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 48A। अब ये कहाँ आता है, तो ये DPSP में आता है, हमने पढ़ा है पार्ट फोर में DPSP होते हैं, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 में, उसमें से जो आर्टिकल 48 है वो किसके बारे में बताता है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के बारे में बताता है, ठीक है। और जो 47A है वो बताता है न्यूट्रिशन के बारे में, कि हमको हमारी कंट्री का न्यूट्रिशन को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, ठीक है। और 49A जो है वो बताता है मॉन्यूमेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए, जैसे ताजमहल वगैरह, अभी जो ताजमहल का कलर येलो हो गया था एसिड रिएक्शन की वजह से, तो वो सब किसके अकॉर्डिंग आता है, 49A के अकॉर्डिंग आता है, ये ए नहीं है, ये आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 40 मतलब सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव के बारे में आता है आर्टिकल 50, ठीक है, 50-50 से याद रखते हैं, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। ऐसे एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 51, जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ट्रीटीज इन सब के बारे में बात करता है, ठीक है। तो आपको और एक और चीज़ पता होना चाहिए, DPSP जो होता है वो क्या होता है, नॉन जस्टिसिएबल होता है, ये सिर्फ वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए ये सारे प्रोविजन रखे गए हैं, और गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो टाइम टू टाइम ये DPSP को इम्प्लीमेंट करता रहे अपनी कंट्री में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक डिसीज़ होती है जो देखो क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द कंटामिनेशन ऑफ वाटर विथ एलिमेंट्स। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो डिसीज़ होती है वाटर के कंटामिनेशन से, वो कौन सा
एलिमेंट है जो वाटर में वाटर को कंटेमिनेट कर देता है, उसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो वो होता है आंसर है इसका नाइट्रेट्स। जब नाइट्रेट्स का ज़्यादा अधिक अमाउंट में अगर वाटर में पाया जाता है तो उसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग तरीके, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जिसके एक्सेस की वजह से अलग अलग डिसीजेज होती है। जैसे फॉस्फेट है, ठीक है, फॉस्फेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है। अगर ये तो वाटर में प्रेजेंट होना ही चाहिए। ये असेंशियल किसके लिए होता है? प्लांट लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब इसका एक्सेस यूज़ होने लग जाता है तो उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ का एक्सेस यूज़ होता है ना तो वो उसको डैमेज ही करता है। ठीक है, तो एक्सेस यूज़ की वजह से क्या होने लगता है? यूट्रोफिकेशन होने लगता है। यूट्रोफिकेशन मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिजॉल्व वाटर में जो ऑक्सीजन का लेवल है ना वो कम होने लगता है, ऐसा कुछ होता है यूट्रोफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट होता है सल्फर। सल्फर का कंटेंट अगर बढ़ता है तो उसके वजह से क्या होता है, सल्फर का कंटेंट का ज़्यादा तो डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं होता है ह्यूमन पे, लेकिन इसके वजह से टेस्ट कैसा हो जाता है? बिटर टेस्ट हो जाता है। ठीक है, कैसा टेस्ट हो जाता है? बिटर हो जाता है, कड़वा टेस्ट आता है पानी में। और सल्फर का एक और है एयर प्योरीफायर के लिए। जैसे अगर सल्फर का अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट है एयर में तो वो एयर क्या हो जाती है? पोल्यूटेड एयर कहलाती है। तो उसमें एक होता है नेचुरल हमारा एयर प्यूरिफाई लिचेन, जिसको बोलते हैं लिचेन। अगर कहीं पे मरने लग जाए, इसका मतलब यह है कि वहाँ की जो एयर है वो प्योरीफाई नहीं है, उसमें सल्फर का कंटेंट ज़्यादा है, तो लिचेन जो लिचेन है वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे लिचेन प्रेजेंट है मतलब वहाँ की एयर में सल्फर का कंटेंट कम है और एयर प्योरीफाई है। ठीक है, ये होता है। अच्छा, आपको आपके लिए क्वेश्चन है कि लिचेन किस किस के सिम्बायोटिक रिलेशन से बनता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करके लिखिएगा। इससे क्या होता है, आपके दिमाग में आ जाएगा वो चीज़, आपके आपको नई चीज़ जानने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसी में एक आर्सेनिक का कंटेंट अगर वाटर में ज़्यादा होता है तो ये क्यों होता है? आर्सेनिक का कंटेंट कैसे ज़्यादा होता है वाटर में? जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है, जो हम पानी ग्राउंड वाटर से निकालते हैं, वहाँ पे अगर हम बहुत ज़्यादा डीप जाके ग्राउंड वाटर निकालते हैं, जैसे हमने देखा है कि आजकल वाटर लेवल, वाटर टेबल बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, ओवर यूज़ करते हैं हम वाटर का। ठीक है, ट्यूबवेल्स लगे तो ओवर इरीगेशन होता रहता है, उसके वजह से फिर क्या होता है, धीरे धीरे ग्राउंड लेवल नीचे जाता जाता है, उसके वजह से हमको और ज़्यादा डीप में ट्यूबवेल डालना होता है। तो जितना हम डीप जाते हैं रॉक के अंदर, उतना ज़्यादा आर्सेनिक बढ़ता जाता है। तो जितना डीप हम जाएंगे उतना ग्राउंड वाटर में क्या होता है, आर्सेनिक का कंटेंट बढ़ता जाता है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन जो मैं आपको बताना है, ये तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट की वजह से। इसका एक और नाम है इस डिसीज़ का, इसको बोलते हैं मैथेमोग्लोबिनेमिया। इसका नाम थोड़ा अजीब है लेकिन याद रखिएगा, मैथेमोग्लोबिनेमिया। क्या है? मैथेमोग्लोबिनेमिया। दो तीन बार बोल लोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गर्व, उदय और तरंग आर दी इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? उदय स्कीम, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, आपने नहीं भी पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि उदय स्कीम किससे रिलेटेड है। ठीक है, उदय स्कीम किससे रिलेटेड है? ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में आता है। ठीक है, किसके अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सी डेक हैज़ डेवलप्ड अ कॉम्प्रीहेंसिव फ्री एंड ओपन सोर्स सूट फॉर द सेटिंग अप क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट नेम्ड एज। सी डेक ने एक कॉम्प्रीहेंसिव फ्री एंड ओपन सोर्स सूट सेटअप किया है क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के लिए। उसका नाम क्या है? मेघदूत। ठीक है, जब भी क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड हो है, एक तो ये मेघदूत है, ठीक है, जो सी डेक ने डेवलप किया है। एक कल हमने पढ़ा था मेघराज, वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड था, है ना? तो क्लाउड मेघ उससे रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट। जो डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट होता है वो क्यों यूज़ किया जाता है? तो हमको पता है कि सॉल्ट में क्या प्रेजेंट होता है? आयोडीन प्रेजेंट होता है, और आयोडीन की कमी होती है तो हमको क्या हो जाता है? गोइटर हो जाता है। तो उस डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा गोइटर। ठीक है, गोइटर और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, इस दोनों को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, गोइटर जो होता है वो आयरन डिफिशियंसी, वो आयरन बोल रही हूँ सॉरी, आयोडीन डिफिशियंसी के वजह से होता है। ये हमारे नेक में जो ग्लैंड होती है जो आयोडीन का यूज़ करके थायरोक्सिन हार्मोन को जो सिक्रेट करती रहती है, अगर उसका वो अगर सिक्रेट करना बंद कर देती है तो हमको क्या हो जाता है? थायराइड हो जाता है, या फिर उसको गोइटर भी बोलते हैं, गोइटर हो जाता है। ठीक है, घेंगा हिंदी में बोलते हैं।
अच्छा, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से विटामिन से कौन कौन से डिसीजेज होती है, किसकी डिफिशियंसी से क्या डिसीज़ होता है। जैसे कि ऑप्शन में है पहले, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, हमारा स्कर्बी होता है। ठीक है, विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। कोविड के टाइम पर विटामिन सी को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। विटामिन सी किस में पाया जाता है, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे कि लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, आंवला हुआ, आंवले को गूसबेरी भी बोलते हैं। ठीक है, इन सब में पाया जाता है स्कर्वी। ठीक है, तो ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करती है। रिकेट्स किसके वजह से होता है, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, विटामिन डी की कमी से चिल्ड्रंस की जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, तो उसको रिकेट्स बोलते हैं। और जो एडल्ट्स में होता है उसको हम बोलते हैं ऑस्टोमलेशिया। क्या बोलते हैं, ऑस्टोमलेशिया बोलते हैं। ठीक है, फिर एनीमिया क्या होता है, आयरन की कमी से ब्लड ब्लड में जब आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे वही हैं। अच्छा, और इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि विटामिन, सारे विटामिन और उनकी वजह से जो जो डिफिशियंसी होती है उनके बारे में आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, इसकी कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन B12 याद रखना, B12 की कमी से होता है एनीमिया। ठीक है, सी का स्कर्वी होता है। ठीक है, डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, ब्लड क्लॉटिंग वाला जो प्रॉब्लम है, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, जैसे हमारे हमको कहीं पे भी कट लगता है तो उसके बाद तुरंत ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जिससे ब्लड रुक जाता है। अगर विटामिन के की डिफिशियंसी होती है तो वो क्लॉटिंग नहीं हो पाती, इसकी वजह से ब्लड क्या होता है, फ्लो होता रहता है। ठीक है, फिर जैसे कैल्शियम होती है, उसकी कमी से क्या होता है, बोन्स हमारी ख़राब हो जाती है। फॉस्फोरस की कमी से हमारे टीथ डैमेज होते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, और आयोडीन की कमी से गोइटर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गूगल। ये वो वाला गूगल है जिसपे हम सर्च करते हैं, इसको बोलते हैं गूगल, मतलब 1.0×10^100। ये है, इसको गूगल बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा 10^100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूर सिंह द बारा सिंगा इज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ। भूर सिंह जो है, बारा सिंगा का नाम है एक, ये ऑफिशियल मैस्कॉट था कहाँ का, कान्हा टाइगर रिजर्व का। ठीक है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है, एमपी में पाया जाता है। ठीक है, ये वहाँ का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क भी है। ठीक है, और फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जो लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या है, हमारी इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आसाम में है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। और इसमें से काजीरंगा नेशनल पार्क के बीच में से कौन सी रिवर फ्लो करती है, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, यूपी में आता है। ठीक है, एक और आप नेशनल पार्क याद रख सकते हैं, लोकटक, लोकटक लेक। लोकटक लेक जो है वो मणिपुर में है, और इसमें है ना इंडिया का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुलम जाओ, केबुलम जाओ। ठीक है, ऐसे कुछ नाम है इसका। ये इंडिया का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है लेक के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। साइंस के पॉपुलराइजेशन के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो यूनेस्को का कलिंगा प्राइज दिया जाता है। ठीक है, एबल अवार्ड जो होता है वो मैथ्स के लिए दिया जाता है। मेन बुकर प्राइज जो होता है वो किसके लिए दिया जाता है, लिटरेचर के लिए दिया जाता है, या फिक्शन के लिए दिया जाता है। अच्छा, दो चीज़ होती है, एक होता है बुकर प्राइज, एक होता है मेन बुकर प्राइज। दोनों में क्या डिफरेंस है आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इंडिया में से किसको आज तक मेन बुकर प्राइज मिला है, तो वो मिला है अरुंधति रॉय को, अरुंधति रॉय को मिला है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, तो आइएगा देखिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इसके बारे में, डाउट्स के बारे में। और अगर आपको तमिलनाडु की हिस्ट्री समरी देखनी है तो, और साथ में पॉलिटी का रिवीजन करना है जीपीएससी के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो मेरा चैनल है शिवी सिंघल से, उस पर आप जाके विजिट कर सकते हैं, आपको काफ़ी क्लियरिटी आएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आता है तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिएगा, और क्या प्रॉब्लम है वो भी बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।